अनुपमा सीरियल की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सीरियल में वनराज ने अनुपमा और अनुज के होटल के भूमि पूजा में बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी है। आपने सीरियल के रिसेंट प्रोमो में देखा ही होगा कि वनराज अनुपमा और अनुज के साथ क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बाद अभी सीरियल की कहानी में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगी कैसे अनुज और अनुपमा के होटल का भूमि पूजा अच्छे से चल रहा होता है, जहां वनराज काव्या और बा पहुंच गए हैं, जो पूरे के पूरे इवेंट को खराब करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल वनराज अनुज और अनुपमा को करीब ज्यादा नहीं देख पा रहा है। वहीं जब अनुज की टीम ने जब वनराज को जॉब ऑफर कर दिया है तो उसे ऐसा लग रहा है कि अनुज अनुपमा को उसके अंडर में काम करवा कर उसका इंसल्ट करना चाहता है, जहां वनराज अनुपमा और अनुज के सामने सारी हदें पार करता हुआ दिख रहा है। आपने सीरियल में देखा ही होगा कैसे वनराज अनुज के ऑफर लेटर को आग में डालता हुआ दिख रहा है और वनराज अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल उठाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ड्रीम सीक्वेंस है या रियल ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीरियल के मेकर्स मुंबई सीक्वेंस में भी ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसमें वनराज और अनुज का फाइट दिखाया जाता है, लेकिन वो काव्या का ड्रीम सीक्वेंस होता है। आपको सीरियल में वनराज का किरदार कैसा लगता है कमेंट आप हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।